तो हम बनाने जा रहे गुजराती साडलो, जो साड़ी से बनता है। तो जो इसका पल्लू है साड़ी का, वो हम पल्ला के लिए ले लेंगे, जो सेड़ा बोलते हैं, तो उसके लिए मैं ले लेती हूँ। तो मैंने एक जैसा कटिंग कर दिया इसे, और एक तरफ से थोड़ा कटिंग करके एक जैसा सीधा कर दिया है तिरछा होगा तो। और यहाँ पे मैं 9 इंच की दो पट्टियाँ लूँगी, 9 9 इंच की, और एक लूँगी 5.5 इंच की पट्टी, और फिर यहाँ पे इसको कट कर दूँगी, तीनों पट्टियों को अलग कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये कैमरे में कटिंग करने का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं फिर इससे नाप लूँगी कि हमें जो 1 मीटर पाटली में रखना है, और उससे जो भी जितना हो पीछे बचेगा साड़ी का कपड़ा, उसे आधा आधा करके हमें वो लेना है। अगर आपका 5 मीटर से कम है तो आधा भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा ऊपर वाला भाग है जो ओढ़ने वाला है, उसमें थोड़ा कम रखो, 10 इंच जितना, 9 इंच जितना जो सेड़ा बोलते वो आ जाएगा। तो ये दोनों कटिंग करके हो चुका है, अभी हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं, दोनों भागों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ दोनों भागों को, और जो ऊपर की साइड भाग आएगा वो नीचे की तरफ है, और जो मैं ऊपर सिलाई कर रही हूँ वो पाटली वाला भाग है। तो इस तरह से आपको ये पूरा सिलाई करना है। और ये बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाती है साड़ों के, थोड़ा समझ में बहुत मुश्किल से आता है। जो गुजराती लोग हैं उनके पास, जो गुजराती रबारी है उनके पास साड़ो है गुजराती, तो उससे देख के आप बनाओ तो अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ये 9 इंच जो ऊपर का जो सिर पे आता है तो ओढ़ने के लिए, उसमें मैं 8 इंच का मार्जिन करके फिर सिलाई कर रही हूँ। खाली सीधी सिलाई करनी है, डबल फोल्ड करके 8 इंच का मार्जिन लगा के, इस तरह से कुछ कटिंग वटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट सिलाई लेनी है आपको। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, और सिलाई आप नाप नाप के लोगे तो आपका टेढ़ नहीं आएगा, नहीं तो इधर उधर थोड़ा हो जाएगा, साड़ी का पतला कपड़ा आता है इसलिए। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ये हो गई हमारी सिलाई, तो आप देख सकते हो सिलाई होके रेडी हो गई है। और जो मेरा एक साइड का बंद करना है, जो पाटली वाले भाग पे भाग के साइड का है कपड़ा, वो मुझे इस तरह से सिलाई लेनी है। तो डबल फोल्ड करते जा रही हूँ, और मैं सिलाई करते जा रही हूँ। जहाँ पे एक कपड़ा छोटा है और एक साइड का नीचे वाला बड़ा भाग है, वहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, और आप देख सकते हो ये वाला बड़ा भाग है नीचे वाला। और अभी हमें पाटली के लिए वो इस भाग में सिलाई लेनी है। तो पहले मैं इसके भी एक साइड से सिलाई कर देती हूँ पाटली वाले भाग में। तो कुछ करना नहीं आपको, इस तरह से गोल गोल धागे को बंद करना है, डबल इस तरह से एक बार फोल्ड करो, फिर दोबारा फोल्ड करके ऊपर सिलाई लेनी है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। थोड़ा मोटा कपड़ा रखना है जिससे आपको जैसे सिलाई ली हुई देखनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैं 5 इंच नाप लूँगी, और फिर डायरेक्ट सीधी सिलाई करूँगी, जैसे मैंने माथे के पल्लू के ऊपर किया था उसी तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई करूँगी। तो इसमें भी नाप के मैं ले रही हूँ, 5 इंच का नाप करते करते ले रही हूँ सिलाई। तो ये हो गया हमारा पाटली का पल्लू, सिल के रेडी हो गया है। अभी हमें जो सेड़ा बोलते हैं वो डालना है, तो उसमें हमें जॉइंट करके वो ही डालना है। अभी जो दोनों साइड का भाग बराबर है उस साइड हमें सेड़ा डालना है। तो सेड़े के लिए मैंने जो कपड़ा निकाला था उसकी कटिंग कर रहे हैं हम इस तरह से। मैंने मेजर तो पहले ही बता दिया था नाप करके, और कटिंग नहीं किया था तो वो अब कर रही हूँ। तो ये तीनों भागों को मैंने जॉइंट कटिंग कर दिया। जो 5 इंच वाला भाग है उसको एक साथ जॉइंट कर देना है इस तरह से, क्योंकि उससे भी 9 इंच का बनाना है इसलिए। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको कटिंग कर दिया है, सिलाई कर दिया, और फिर इसके ऊपर डफ सिलाई ले लूँगी।
और जो भागते दोनों हमारे दोनों साइड के उनको भी जॉइंट कर दिया, जो 9-9 इंच वाले भागते उसमें जॉइंट कर दिया। और उस भाग में जो हमने 5 इंच वाले भाग को जॉइंट किया था वो उसमें जॉइंट करना है हमें। तो ये मेरे तीनों भाग जॉइंट करके हो चुके हैं और इन पे डब सिलाई नहीं लेनी है आपको। और नीचे की तरफ से जो जॉइंट वाला भाग है वो ऊपर की साइड रखना है, जो हमने 5 इंच वाला भाग लिया था वो। और नीचे की साइड से हमें सिलाई लेनी होती है, जो पाटली वाला भाग है 3 मीटर का भाग है उसमें हमें सिलाई ले, उससे स्टार्ट करनी है सिलाई, ऊपर वाले भाग से नहीं करनी है क्योंकि वहाँ पे पॉकेट बनाना है, इसलिए वो पहले सिलाई नहीं होगी। तो आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका सिला हुआ पल्लू है वो नीचे की तरफ, जो पल्ला रहता है ना सेड़ा, वो नीचे की तरफ रखो मशीन के, और मशीन जहाँ पे सिलाई मारते वो ऊपर वाला कपड़ा साड़ी का रखो तो आपका परफेक्ट आ जाएगा। और इसी तरह से हमें सिलाई लेनी है। धागे बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, एक बार फोल्ड करो फिर दोबारा और फोल्ड करके फिर सिलाई लो। यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे मैंने ऊपर के भाग में जो सिलाई ली थी 8 इंच वाली वो आ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऊपर का भाग है। और इसको 8 इंच जितना और सिलाई करो, दोनों को जॉइंट करने के बाद 8 इंच जितना और सिलाई करना है। और अभी जो भी धागे थे वो मैंने काट के ले लिए। अभी जो सेड़ा बोलते हैं उसके साइड में धागे दिख रहे हैं, उसको ऐसे इस तरह से सिल के कवर कर दो। तो इसको भी आपको इसी तरह से करना है, पहले फर्स्ट फोल्ड करो फिर दोबारा फोल्ड करके डायरेक्ट सिलाई लो। ये बहुत ही आसानी से हो जाती है सिलाई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ओढ़ना किस तरह से बनता है। साड़ लो, थोड़ा थोड़ा करके स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप 2 बार वीडियो देखो तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी सिलाई हो चुकी है। आप देख सकते हो जॉइंट तक आ गई, और इससे भी हमें आगे 8 इंच जितनी सिलाई लेनी है। तो ये 8 इंच जितनी मैंने सिलाई ले ली आगे, फिर हमें